जनपद पौड़ी में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों को पूरा करने में निर्वाचन विभाग जुटा हुआ है। मतगणना को लेकर इन दिनों कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे कि मतगणना में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। आपको बता दें कि पौड़ी जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना पौड़ी में होगी, जिसमें ईवीएम की मतगणना के लिए 76 टेबल लगाए गए हैं, जबकि 9 मतगणना हॉल के लिए 126 माइक्रो ऑब्जर्वर, 102 सुपरवाइजर और 109 मतगणना सहायक मतगणना में शामिल रहेंगे। जानकारी के अनुसार मतगणना वाले दिन राजकीय इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके तहत ही जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि मतगणना पूरी करने के लिए अब तैयारी अंतिम चरण में है और कार्मिकों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पौड़ी से मुकेश पछेती की रिपोर्ट। सारी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं, जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड इश्यूज हैं। यहाँ 110 कंप्यूटर जो हमारे प्री काउंटिंग के लगने हैं, उसकी ड्राई रन की एक्सरसाइज भी हो चुकी है और हमारे लॉजिस्टिक्स वहाँ पे पूरे तरीके से इंटैक्ट है। 3 टेप का जो हमारा सिक्योरिटी काम कर रहा है, प्लस इसके अलावा जो ट्रेनिंग्स हैं या रेंडमाइजेशन है, वो कल एक रेंडमाइजेशन कम्प्लीट हो गया और 30th को उसकी ट्रेनिंग। तो सारी चीज़ें बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है वो हमारी इनिशियली 8:00 स्टार्ट हो जाएगी 4 जून को, और उसके बाद में जो ईवीएम की काउंटिंग है वो 8:30 पे स्टार्ट किया जाना है ईसीआई के निर्देशों के अनुरूप। और जो एक्सपेक्टेड वोट हैं सर्विस पोस्टल बैलेट, वो 23,000-24,000 के आसपास आने हैं। तो उसमें 110 टेबल हैं, उनमें प्री काउंटिंग होने के बाद में पोस्टल बैलेट की 63 हमारी जो टेबल्स हैं उन पर काउंटिंग की जानी। तो इस तरीके से प्लानिंग हमारी है और ARO और जो भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं सारे किए जा चुके हैं।